कोतवाली पुलिस ने पंचानन चौराहे से दो बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की तीन बाइकें बरामद। जालौन जनपद की कोच कोतवाली पुलिस ने पंचानन चौराहे से शनिवार की दोपहर दो बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की तीन बाइक बरामद की गई हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि कोच कोतवाली के इंस्पेक्टर नागेंद्र पाठक और उनकी टीम ने पंचानन चौराहे से धारा 411, 420, 467, 468 और 471 में वांछित चल रहे विवेक कुमार पुत्र प्रदीप कुमार निवासी जयप्रकाश नगर कोच और गोविंद निवासी जनपद झांसी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों बाइक चोरों के पास से चोरी की तीन बाइकें बरामद की गई हैं। पुलिस ने पकड़े गए दोनों बाइक चोरों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। जी, कल चेकिंग के दौरान एक मुखबिर की सूचना पर दो मोटरसाइकिल सवार लोगों को पकड़ा गया। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ करी तो उन्होंने स्वीकार किया कि चोरी मोटरसाइकिलें हैं और उन्होंने ये भी बताया कि पंचानन चौराहे के पास झाड़ियों में एक और मोटरसाइकिल छुपा के रखे हुए हैं। इन्होंने पूछताछ के दौरान ये बताया कि वो मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और उसका नंबर प्लेट चेंज करके उसको मौका पाकर बेच देते हैं। इस पूरी जो घटना मतलब जो तफ्तीश थी उसके दौरान तीन मोटरसाइकिलें हमने उनके कब्जे से बरामद करी हैं। गिरफ्तार होने वाले जो दो व्यक्ति हैं उनका नाम है विवेक कुमार पुत्र प्रदीप कुमार सोनी, ये जयप्रकाश नगर पहुँच के रहने वाले हैं। दूसरा है गोविंद सोनी उर्फ गोलू पुत्र रामकिशोर, ये बड़ा गाँव गेट जनपद झांसी के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाली कोच प्रभारी निरीक्षक मैं पुलिस के।